ना जाना भारत के लोगों। आज की शाम एक बहुत ही खास शाम है, इन वीरों की कुर्बानी। या मुंबई साठी स्वतःचं योगदान दिलं, बलिदान दिलं, वेळेची पर्वा न करता सगळं केलं, आणि नंतर त्या अधिकाऱ्यांची हेळसांड होते, मेलेच्या माणसाचा सन्मान होत नाही, त्याचं मनाला खूप दुःख वाटतं। आज आपल्याला सर्वांना इथे एकजुटीने आणलं आणि इथे आपल्या रक्तात मनामनात एक शहीदांसंदर्भात आपल्या आर्मीबद्दल, पोलीसबद्दल, जे देशाची सुरक्षा करतात त्यांच्याबद्दल ही एक इनिशिएटिव घेतला, एक जागृती आणून दिली, त्यांचे मी अथर्वचे सुनील राणे साहेबांचे मनापासून अभिवादन करते। याद करो 26/11 की वो रात जो हम देखते हैं, याद करते हैं, और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये नहीं होते, पुलिस नहीं होती, तो आज आप और मैं यहां पर खड़े रहते हुए 26/11 कैसे मनाते। इस शाम में ये कहते हुए मेरे अश्रु को रोक रहा हूं। कमांडोज, हमारे पुलिस दल शहीद होने के पश्चात मोमबत्तियां जलाना बहुत आसान होता है, लेकिन कैसे परिस्थितियों में वो लड़ते हैं ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और मैं नमन करता हूं उस वीर माता को, उस वीर पिता को। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, ये उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, इसके लिए ये झंडा फहराता है। दोस्तों, सांसों में आंधी है, हमको ये बिल्कुल भूलना नहीं है ये दिवस, जब तक कि सबको पनिशमेंट ना हो जाए पूरी तरह से, और पूरी तरह से हमारा देश तैयार रहे। सबसे बड़ी ये जंग है। I really get emotional when I heard Mr. Rane giving a wonderful talk about the heroism and valor by Major Unnikrishnan, by Havaldar Best, and later on by last night Bhaduria in JNK. It fills my heart with joy and pride. The brave sons of our NSG did the sacrifice. It's all because of the learning from the Indian Army, because these are the army officers deputed to the NSG who go for deputations to these wonderful organizations and serve the nation. मुझे यहाँ पे बुला के मुझे सम्मानित किया, धन्यवाद करूँगी आप सबका, और मुझे गर्व है अपने पति पे और वीर बहादुर सैनिकों पे जो हमारे देश के लिए, और कि मैं शहीद की पत्नी हूँ। धन्यवाद। आप लोग इतनी संख्या में शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, हृदय इस समय गदगद हो रहा है कि आज मैंने जो बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है, आपकी सुरक्षा के लिए।